केरल में हुए हिंदुओं पर जानलेवा हमले के विरोध में सुंदरनगर में मानवाधिकार रक्षा मंच द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान मंच के सदस्यों द्वारा एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन पत्र भी भेजा गया। केरल सरकार की राजनीतिक हिंसा व विरोधियों की हत्या के खिलाफ सुंदरनगर में मानवाधिकार रक्षा मंच द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें एवीपी, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय मजदूर संघ द्वारा जवाहर पार्क से लेकर एसडीएम ऑफिस तक रोष रैली निकाली गई। इस मौके पर भाजपा प्रवक्ता अजय राणा ने कहा कि केरल में माकपा सरकार आने के बाद आरएसएस के स्वयंसेवकों तथा राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हमलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिसका आज पूरे देश में विरोध किया जा रहा है। कड़ी में सुंदरनगर में भी एक विशाल रैली का आयोजन किया गया और एक ज्ञापन राष्ट्रपति को एसडीएम के माध्यम से भेजा गया। केरला में हिंदुओं की जो हत्याएं हो रही हैं, उसके विरुद्ध में राष्ट्रीय स्तर पे ये कॉल आई है और उस कॉल के तहत मानवाधिकार रक्षा मंच के बैनर के तहत आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जोहर पार्क से लेके एसडीएम ऑफिस तक हम जाएंगे। कम्युनिस्टों की, वामपंथियों की जो ये नीति है, आरएसएस के कार्यकर्ताओं के ऊपर चुन चुन के लगातार हमले कर रहे हैं, धारा को इग्नोर किया है, उसकी खुन्नस में ये चीज़ हो रही है और इसका विरोध लगातार हिंदू से हिंदू, हिंदूवादी और राष्ट्रवादी संगठन करते रहेंगे और करेंगे। राष्ट्रीय रक्षा मंच सुंदरनगर के संयोजक श्रीमान वीरेंद्र देवर जी और श्रीमान कन्हैयालाल वर्मा जी, जो इस रक्षा मंच के अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में इसके सचिव श्रीमान प्रेम जी सचिव, उनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम सुंदरनगर जौहर पार्क से प्रारंभ हुआ और एसडीएम ऑफिस में विज्ञापन देकर के यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में केरल में मार्क्सवादी तत्वों द्वारा निशंस हत्या का जो प्रचंड इस प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है, जो अपने विरोधियों को और खासकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता और राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं की निशंस हत्या जो की जा रही है, उसके विरोध में यह प्रदर्शन था। मानवाधिकार मंच ने आक्रोश प्रदर्शन के माध्यम से इस तरह के कृत्यों की कड़ी निंदा की है। संघ ने आह्वान किया है कि इस राष्ट्र विरोधी विचारधारा से सचेत रहें, जिससे कि भारत की असीमता की रक्षा सुनिश्चित हो। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट।